हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू शिक्षा सो गाइज दिस विल बी पार्ट थ्री फॉर मैंगो किंग ऑफ फ्रूट्स एंड आई विल नॉट बी वेस्टिंग वेरी मच टाइम विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द कंटेंट सो वील बी कवरिंग सम जी आई इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ मैंगोज विच हैव बीन गिवन जी आई टैग जिनको जी आई टैग मिला है इंडिकेशन टैग आप जानते हो कि एक ब्रांड बिल्डिंग के अंदर एक पर्टिकुलर वेराइटी को या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हेल्प करता है सो so, जी में हम इम्पोर्टेंट आइटम्स को यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे अगर आप इस साल का आई बी का एग्जाम दे रहे हो तो 2000 प्लस नॉन वीडियो एम कोर्स थ्री हंड्रेड में आपको मिल जाता है डिस्काउंट uh, कोड लगाने के बाद जरूर एक्सप्लोर करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है चलिए सो जी आई टैग हम यहाँ पर फटाफट से डिस्कस uh, uh, जो है दोस्तों करेंगे ऑल राइट सो दीज आर दराइटीज जो आपको यहाँ पर जी आई टैग की वेराइटीज आपको आपके सामने uh, दिख रही होंगी ऑल राइट सो जो मेन वेराइटीज हैं डेफिनेटली वो यहाँ पर हमने कवर अप किए हैं इसके अंदर आपका uh, अगर हम स्टार्ट करें यहां से तो सबसे पहले गिर केसर गिर केसर जो है ये आपका बेटा कहाँ का वैरायटी है ये वेराइटी है गुजरात का ठीक है गिर केसर कहा का है आपका गुजरात का वेराइटी है उसके बाद आप इस साइड देखें मालियाबादी दशहरी मालियाबादी दशहरी आपका किधर आ गया मालियाबादी दशहरी आपका आ, आ जाएगा बेटा इन यूपी ठीक है मालियाबादी इन यूपी इट विल कम ये स्टेट्स आपको सारी पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि डायरेक्टली वो क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से पूछ सकता है कि ये पर्टिकुलर वेराइटी किस पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करता है ओके ओके जस्ट देन वी हैव द नेक्स्ट कॉल्ड जरदालू जो है आपका ये बिहार स्टेट को बिलोंग करता है बेटा जरदालू इज फ्रॉम बिहार स्टेट बेसिकली बिहार में अगर हम बात करें तो जो भागलपुर वाला एरिया है बिहार के अंदर वहां पर ये मेनली बिलोंग करता है देन वी हैव लक्ष्मण भोग लक्ष्मण भोग जो है ये आपका वेस्ट बंगाल का है स्पेशली मालदा मालदा जो है एक काफी रिच स्टेट है वेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ मैंगो तो वहां पर यह बिलोंग करता है एंड आपकी दो वेराइटीज और वेस्ट बंगाल मालदा की हैं। दैट इज योर खिरसापति एंड फजली ये भी दोनों जो हैं, ये वेस्ट बंगाल मालदा से जीआई टैग जो है इनको मिला हुआ है देन वी कम टू द नेक्स्ट वेरायटी विच इज कॉल्ड योर बांगनापल्ली बांगनापल्ली बेसिकली आपका आंध्र प्रदेश का एक वेराइटी है कुरनूल रीजन के अंदर ये आपको मिलता है बांगनापल्ली बांगनापल्ली के बाद अगर आप नेक्स्ट बात करते हैं वेराइटी की सो दैट इज योर अपी मिदी अपी मिदी जो है ये कर्नाटका स्टेट को बिलोंग करेगा और कर्नाटका के अंदर स्पेशली अगर हम बात करें शिमोगा उत्तर कन्नड़ दक्षिण कन्नड़ और चिकमगलूर जो वाला जो रीजन है वहां पर देन नेक्स्ट इज योर अल्फोंजो अल्फों आप सब जानते हो कि महाराष्ट्र का एक फेमस वेराइटी है और अल्फोंजो मेनली आपको जो कोंकण रीजन है रत्नागिरी वाला जो रीजन है सिंधुगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको मिलेगा देन वी हैव मराठवाड़ा केसर मराठवाड़ा केसर जो है अगेन दिस पर्टिकुलर वेराइटी ऑल्सो बिलोंग्स टू महाराष्ट्र ठीक है ये भी आपके महाराष्ट्र को बिलोंग करती है तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज है जो आपको याद होने चाहिए अलोंग विद स्टेट अब कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे इन जीआई आई वेराइटीज के स्टार्टिंग विद लक्ष्मण भोग तो लक्ष्मण भोग की अगर हम बात करें तो इसका जो फ्रूट कलर है ना वो लक्ष्मण भोग जाना अपने फ्रूट कलर के लिए जाता है ठीक है काफी अपीलिंग इसका जो है फ्रूट कलर होता है येलो और उसके बीच में आपको हल्के हल्के रेडिश शेड्स जो है इसके कलर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद इज फर्म स्ट्रॉन्ग फर्म होता है ऐसा नहीं है कि इट इज लिक्विडी बट इट इज वेरी सॉफ्ट जो आपके मुंह में जाने से मेल्ट हो जाता है एंड फाइबर इसके अंदर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है फ्लेवर काफी अच्छा है इट इज नोन फॉर इट्स फ्लेवर देन वी हैव खिरपति इसको हिम सागर भी बोलते हैं एंड कलर इसका भी काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है ग्रीन एंड येलो का कॉम्बिनेशन रहता है फ्लेवर काफी अच्छा होता है टेस्ट स्वीट होता है फाइबर इसके अंदर भी काफी कम होते हैं एंड इसकी कीपिंग क्वालिटी यानी कि इसकी स्टोरेज क्वालिटी काफी अच्छी होती है फजली की अगर हम बात करें तो स्वीट एंड फर्म फ्लैश इसका रहता है लेकिन जूसी होता है फाइबर भी इसमें भी काफी कम होता है और फ्लेवर अच्छा होता है दशहरी की बात करें अगेन के अंदर अगर हम बात करें फ्लेवर अच्छा है स्वीट टेस्ट काफी हाई है अगर ये फुल्ली रिपेंड हो फाइबर इसके अंदर भी काफी कम होता है और कीपिंग क्वालिटी इसकी भी अच्छी रहेगी अपे की बात करें ये एक स्पेशल वेराइटी है जिसको ज्यादातर यूज किया जाता है अचार डालने के लिए पिकलिंग मैंगो इसको हम बोलते हैं इसको बहुत ज्यादा अचार डालने के लिए कच्चे आ, कच्चा आम बेसिकली ये होता है और इसको आम डालने के लिए आ, अचार डालने के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है अब देखो जैसे क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछ सकता है दैट अमंग द फॉलोइंग वेराइटीज और विच अमंग द फॉलोइंग जी आई टैड वेराइटीज ऑफ मैंगो इज स्पेशली फॉर पिकलिंग पर्पज ठीक है उसमें ऑप्शन दे देगा ऑप्शन ए लक्ष्मण भोग बी दे देगा फर्जी सी दे दे देगा खिरसापति डी दे देगा दे 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 अपमीदी ठीक है ई दे देगा नन ऑफ दी तो इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं ठीक है फ्रेजाइल फ्रूट होता है हार्ड फ्रूट होता है काफी क्योंकि तभी तो इससे आम का जो अचार है वो ज्यादा अच्छा बनता है और फाइबर इसके अंदर कम है टेस्ट इसका खट्टेपन में होता है एंड इसका जो लेटेक्स होता है उसका काफी स्ट्रांग स्मेल होता है अरोमा काफी स्ट्रांग होता है उसका फिर आ जाओ केसर मैंगो केसर मैंगो बेसिकली ये आपका जूनागढ़ रीजन के अंदर आपको मिलेगा जो आपका केसर मैंगो है ओके और काफी अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन और नेचुरल सॉयल कंडीशन वहां पर आपको इसके लिए मिलेगा एंड इसके अंदर आपको टेस्ट अरोमा पल्प कलर बहुत अच्छा है इसका जो है देखने को मिलता है केसर वेराइटी का फिर आ जाता है मराठवाडा केसर केसर तो गुजरात का हो गया जो गिर केसर की के हम बात कर रहे हैं फिर एक मराठवाड़ा केसर भी है मराठवाडा केसर में बाकी सारी वेराइटी के मुकाबले जो टोटल सोल्यूबल सोलिड है कलर एंड टेस्ट इज वेरी सिमिलर टू ठीक है जो आपका बेसिकली केसर होता है केसर से काफी मिलता जुलता है इसका टेस्ट होता है और उसके पीछे रीजन होता है कि जो गर्म और ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन है ना उस रीजन की मराठवाडा रीजन की वो इसको ये सैफ्रॉन का फ्लेवर एक देते हैं ठीक है एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मराठवाडा केसर ओके एंड थ्री टू फोर टाइम्स भी इसका ज्यादा होता है अगर हम अल्फॉन्जो मैंगो के मुकाबले देखें तो तीन से चार गुना ज्यादा इसकी पैदावार होती है बांगना के ऊपर आ जाओ एंड अगेन ये जो आम है अगर आप बाकी के आम से देखते हो तो इसमें आपको हर तरह का डिफरेंस मिलेगा साइज हो शेप हो कलर हो टेस्ट हो फ्लेवर हो कुछ भी हो जब ये पूरे तरीके से पक जाता है बांगनापली तो पूरा जैसे गोल्डन येलो सोने जैसा आम दिखता है एकदम जैसे सोना होता है ना गोल्ड होता है बिल्कुल वैसा आम आपको ये दिखेगा ठीक है इसके ऊपर ज्यादा दाग या ज्यादा निशान आपको देखने को नहीं मिलेंगे पल्प इसका काफी स्वीट होता है और फर्म होता है और फ्लेवर काफी अच्छा इसका कंसीडर किया जाता है और अट्रैक्टिव ऑरेंज येलो कलर होता है ऑरेंज प्लस येलो का मिक्सचर होता है फर्म पल्प फर्म होता है बट मेल्टिंग होता है सॉफ्ट होता है फाइबरलेस होता है टेक्सचर काफी सॉफ्ट होता है एंड एसिड और स्वीट का ब्लेंड काफी अच्छा होता है इससे ना इसमें खट्टे मीठे का टेस्ट आता है कभी अगर आपने अल्फोंजो आम खाया हो या आप कभी फ्यूचर में खाओ तो वो एक खट्टा मीठा फ्लेवर देता है अल्फोंजो uh, जो मैंगो होता है दैट इज नॉट वेरी मच स्वीट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आपको मीठा आम वो उसकी खासियत ही खट्टा मीठापन होता है देन वी हैव जरदालू जर्दालू की फ्रूट क्वालिटी काफी अच्छी होती है और जो ये वो भी अच्छा होता है फ्लैश फर्म होता है सॉफ्ट एंड स्पेरिंगली फाइबरस थोड़ा फाइबर इसके अंदर आपको मिलेगा ठीक है जी फ्लेवर अच्छा होता है एंड जूस क्वॉंटिटी के लिए ये जाना जाता है अपनी ओके सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वेराइटीज दैट वी हैड टू डिस्कस बहुत ज्यादा इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी बट जितनी भी मिलेगी वो कई बार क्या होता है ना? बहुत simple, simple पूछे होते हैं। लेकिन वो अपने को जानकारी नहीं होती तो नहीं सॉल्व हो पाते तो ये आपको उस चीज के अंदर हेल्प करेगा चलिए यहां पर इस लेक्चर को हम एंड करेंगे जो इंपॉर्टेंट जीआई मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी वो मैंने कर ली है अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यानी कि पार्ट फोर के अंदर बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑफ मैंगो से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स ठीक है चलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो वो जरूर कर लीजिएगा कंटेंट जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा अब हम डालने की इसके अंदर कोशिश करेंगे बिफोर योर एग्जाम सो सी इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर एंड बाय